मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि इसमें बेसिक ब्रेन किसका है? क्या ये रिसेप तैयब एर्दोगन की महत्वाकांक्षा है या ये पाकिस्तान का बड़ा षड्यंत्र है? क्या नजर आता है अशोक सज्जनार साहब आपको? नहीं, मेरे विचार से दिनेश जी, इसमें यकीनन एर्दोगन की महत्वाकांक्षा है क्योंकि वो खलीफा बनना चाहता है। देखिए, जब वहां पर जंग भी हो रही है दिनेश जी, आर्मेनिया और अजरबैजान में, तो अजरबैजान कम बोलता है, टर्की उससे ज्यादा बोलता है, क्योंकि टर्की चाहता है जो उसका बिल्कुल जो वहां पर है दबदबा उस पूरे उसमें बना रहे। तभी उसने आउट ऑफ द वे जाकर, चाहे वो सीरिया से लाया हो आइसिस के आतंकी, या लीबिया से लाया हो, या गुलबुद्दीन हकमतयार से बात करके अफगानिस्तान से लाया हो, तो ये सब ज्यादा तो इसका है, टर्की का है। मेरे विचार से इसके पास, पाकिस्तान के पास इतनी बुद्धि नहीं है और ना ही उसके पास इतना रसूख है, ना ही उसके पास इतना क्लाउट है जो वो ऐसे लोगों को थोड़ा सा वो वहां पर इकट्ठा कर सके। तो आपके मुताबिक ये रिसेप तैयब एर्दोगन का षड्यंत्र, उसकी महत्वाकांक्षा है जिसके चलते ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो गड़बड़ियां फैलाने में लगा हुआ है, कश्मीर को लेकर वो कह रहा था कि जो इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जो हमारे साथ आते हैं, ठीक है, वरना हम अलग से इसमें बात करेंगे। क्या इसमें यह समझा जाए कि असल में ये जो बड़ी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रहा है कि ये जो इस्लाम के मानने वालों का लीडर कौन, क्या इसमें पाकिस्तान और टर्की सबसे आगे रहकर बाकी लोगों को पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का नतीजा है क्या, ये उस पर हम बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।